हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। सो आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 55th वीडियो। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है बैगेज, BAGGE, बैगेज, जिसका मतलब है सामान या फिर यात्री का सामान। कभी भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, जो हम अपने साथ सामान रखते हैं उसे हम इंग्लिश में बैगेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई कांट फाइंड माई बैगेज, यानी मुझे अपना सामान नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल हैंड बैगेज वुड बी एक्स रेड, यानी सभी हैंड बैगेज का एक्सरे किया जाएगा। हैंड बैगेज यानी जो भी छोटा सामान हो जिन्हें आप हाथ में कैरी कर सकते हैं, छोटे बैग्स हो, उनका एक्सरे किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी वर्ड्स के साथ उनका उर्दू ट्रांसलेशन लिखा है और उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस का भी ट्रांसलेशन है। सो उर्दू में अगर कोई मिस्टेक हो तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि उर्दू मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। और बहुत लोगों की डिमांड थी कि उनको हिंदी नहीं समझ में आती तो उर्दू में भी एक्सप्लेन कीजिए, सो मैंने उर्दू यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन लिख दिया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो है फीजिबल, FEASIBLE, फीजिबल, जिसका मतलब है संभव, संभव यानी पॉसिबल होना किसी चीज़ का। एग्जाम्पल्स देखेंगे, इज़ इट फीजिबल टू फिनिश द वर्क बाय क्रिसमस, क्या क्रिसमस तक काम खत्म करना संभव है, क्या क्रिसमस से पहले काम को ख़त्म करना पॉसिबल है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स क्वाइट फीजिबल वी विल गेट द मनी, यह काफ़ी हद तक संभव है कि हमें पैसा मिल जाएगा, यहाँ पर पैसे मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। नेक्स्ट वर्ड है डीसीव, DECEIVE, जिसका मतलब है धोखा देना या फिर दगा देना। एग्जाम्पल्स, टू डिसीव वन सेल्फ इज़ वेरी ईजी, यानी अपने आप को धोखा देना बहुत आसान है, खुद को धोखा देना या दगा देना काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट डिसीव अंडर एनी सर्कमस्टेंस, यानी किसी भी परिस्थिति में धोखा नहीं दे, कोई भी हालात हो, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, आपको कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंसी, DECENCY, डिसेंसी का मतलब होता है शालीनता या फिर शिष्टाचार। एग्जाम्पल्स देखेंगे, She didn't even have the decency to apologize, यानी वह माफ़ी मांगने की शालीनता भी नहीं रखती है। डिसेंसी वर्ड जो है वो डिसेंट से ही बना है, डिसेंट मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, Have you no sense of decency, क्या आपको शिष्टाचार या फिर शालीनता की कोई समझ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आज का esteem, जिसका मतलब है आदर या फिर सम्मान। एग्जाम्पल्स, I esteem his work highly, यानी मैं उनके काम को बहुत सम्मान देता हूँ या फिर उनके काम का बहुत आदर करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, I esteem your uncle for his kindness and honesty, यानी मैं आपके अंकल का उनकी दया और ईमानदारी के लिए सम्मान करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है courtesy, CURTESY, courtesy का मतलब होता है कृपा, शिष्टाचार या फिर नम्रता या दया भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, थैंक यू फॉर योर कर्टसी, यानी आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। जैसे अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने पावर या सोर्स के थ्रू, तो आप उनको बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर कर्टसी, आपकी कृपा के लिए या फिर आपकी नम्रता, आपके शिष्टाचार के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I was treated with the utmost courtesy by the staff, यानी मुझे कर्मचारियों द्वारा अत्यंत शिष्टाचार के साथ ट्रीट किया गया था या फिर बहुत ज़्यादा नम्रता के साथ ट्रीट किया गया था। नेक्स्ट वर्ड है deteriorate, जिसका मतलब है बिगड़ जाना, नष्ट हो जाना या फिर खराब हो जाना किसी भी चीज़ का। एग्जाम्पल्स देखेंगे, His health began to deteriorate quite seriously, यानी उनका स्वास्थ्य काफ़ी गंभीर रूप से बिगड़ने लगा था या फिर खराब होने लगा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, We could see his health deteriorate week by week, यानी हम हफ्ते दर हफ्ते उनकी तबीयत बिगड़ते हुए देख सकते थे। नेक्स्ट वर्ड है troublesome, TROUBLESOME का मतलब होता है तकलीफ देही या फिर परेशानी। एग्जाम्पल्स देखेंगे, This work is very troublesome, यानी यह काम बहुत तकलीफ देही है। नेक्स्ट है, इट्स अ ट्रबलसम क्वेश्चन, यानी यह एक परेशानी भरा सवाल है।
नेक्स्ट वर्ड है बैरन, BARREN, बैरन जिसका मतलब है बंजर भूमि या फिर अनुपजाऊ। जैसे कोई भी जमीन है उसमें हम कुछ भी कर लें, खाद डालें, कितने भी बीज डालें, बट उसमें कुछ भी नहीं उगेगा, बिल्कुल बंजर हो चुकी है जो जमीन, उसे हम बैरन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द लैंड इज बैरन ऑन द ईस्ट कोस्ट, यानी पूर्वी तट पर भूमि बंजर है, जो ईस्ट कोस्ट साइड की जो जमीन है वो बंजर है, बैरन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बैरन लैंड कुड प्रोड्यूस लिटिल फूड, यानी बंजर भूमि थोड़ा ही भोजन पैदा कर सकती थी, बहुत ही कम उसमें जो था उसका प्रोडक्शन जो था बहुत कम था उस बंजर भूमि का। नेक्स्ट वर्ड है आज का ट्रूप, TROOP, ट्रूप जिसका मतलब है दल, फौज या फिर सेना। एग्जाम्पल्स, द ट्रूप्स मार्च्ड पास्ट, यानी जवानों ने मार्च पास्ट किया। नेक्स्ट है द ट्रूप्स हैड प्लेंटी ऑफ आर्म्स, यानी सैनिकों के पास काफी हथियार थे, आर्म यानी हथियार। सो चलिए सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है बैगेज, BAGGE, बैगेज जिसका मतलब है सामान या फिर यात्री का सामान। जब भी हम ट्रैवल करते हैं जो सामान अपने साथ ले चलते हैं उसे हम इंग्लिश में बैगेज या फिर लगेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फीजिबल का मतलब है संभव। नेक्स्ट है डिसीव का मतलब है धोखा देना या फिर दगा देना। डिसेंसी का मतलब है शालीनता या फिर शिष्टाचार। एस्टीम का मतलब है आदर या फिर सम्मान। कर्टसी का मतलब है कृपा या फिर शिष्टाचार। डिटेरियोरेट का मतलब है बिगड़ना या फिर विकृत होना, खराब होना। ट्रबलसम का मतलब है तकलीफ देह या फिर परेशानी। नेक्स्ट है बैरन का मतलब है बंजर भूमि या फिर अनुपजाऊ जमीन। और लास्ट वर्ड है ट्रूप का मतलब है सैन्य दल या फिर फौज, यानी सैनिकों की फौज या फिर सेना। सो ये वीडियो यहीं तक था, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।